एवरीवन, कैसे हैं सारे? ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आप लोगों की माउंटेन फेरी, और जो आज का व्लॉग होने वाला है वो है काले ज़ीरे के ऊपर, जो कि किन्नौर के काले ज़ीरे और गुट्टी के तेल को जीआई टैग मिल चुका है। ये मैंने गुट्टी के तेल वाले वीडियो में आप लोगों को जीआई टैग क्या होता है बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अगर देखा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगी और आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आज हम जो किन्नौर का किन्नौरी जो काला ज़ीरा है उसके बारे में बात करेंगे, और काले ज़ीरे कैसे जंगलों में उगता है, वाइल्ड क्यूमिन, मतलब वो जंगलों में ही उगता है, जंगली ज़ीरा भी बोलते हैं उसे, और हम जंगलों से उठाते हैं, मतलब हमारे खेतों में भी उग जाता है, हम वहाँ से भी उठाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग काले ज़ीरे को उठाते हैं। पहले ज़माने में तो काले ज़ीरे को हम ऐसे ही जंगलों से उठाया करते थे, हालांकि अब किन्नौर में इसकी खेती भी होने लगी है, और से ब्रुआ गांव में भी खेती करते हैं, पुनंग गांव में भी खेती करते हैं। तो इस तरीके से और गांव हैं, जैसे कि ज़ीरा फार्म, जहाँ पे मैं क्वारंटीन में रही थी ज़ीरा फार्म वाले गेस्ट हाउस में, तो सांगला में, सांगला वैली में जो ज़ीरा फार्म है, तो इस तरीके से वहाँ पर भी ज़ीरा बीजा जाता है और उसकी फार्मिंग की जाती है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू, चलिए। ये है काला ज़ीरा के फ्लावर्स, देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल नेचुरल है, इसे कोई बीजता नहीं है यहाँ पर, ये खुद ही उग जाते हैं यहाँ पर ब्लैक ज़ीरा। तो ये फ्लावर है, आप देख सकते हैं, और ये देखिए, अब इसमें क्यूमिन सीड्स आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखेंगे, ये देखिए दाने बन रहे हैं अब इसमें, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ब्लैक ज़ीरा, इसे वैसे भी जीआई टैग मिल चुका है काला ज़ीरा। इसके फ्लावर्स सब जगह खिले हुए हैं, ऐसे खेतों में जगह जगह पर खिले होते हैं, इसे कोई बीजता नहीं है, ये कुदरती तौर पे उगते हैं, फिर इसे हम बाद में पकने पर जब ये तैयार हो जाता है तो हम इसे उठाते हैं बीच बीच में से। हमारे यहाँ जंगली ज़ीरा होता है ना, वो अब पक गया हुआ है, उठाना पड़ता है, अब ऐसे जैसे ये काला हो गया हुआ है अब उस टाइम उठाना पड़ता है, नहीं तो ये सारा गिर जाता है और चिड़िया भी खाते इसको, तो इस तरह से इसको नीचे से ही उठाना पड़ता है। काले ज़ीरे को हमने धूप में रखा था ताकि कूटने में आसानी हो, वैसे तो सूख ही गया था पर फिर भी धूप में रखने के बाद ही इसे कूटा जाता है और अलग किया जाता है इस तरीके से। तो मेरी नीज भी लगी हुई है अपने छोटे छोटे हाथों से कूटने के लिए। तो गाइज़, आप लोगों को अब मैं थोड़ी इसके पौधे की जानकारी देती हूँ। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे ज़ीरा है, ये देखिए, तो जब ज़ीरा पटते हैं तो इस तरीके से पटते हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं आप लोग कि आधा टूटा हुआ है, मतलब पूरा जड़ से नहीं निकाला गया है, और जैसे जड़ होता है, ये देखिए जड़ के नीचे इस तरीके से बल्ब होता है ज़ीरा का, तो ये बल्ब के साथ नहीं निकालते हैं, ये बीज होता है इसका, इसे नहीं निकाला जाता है, अगर इसे निकाल देंगे तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, तो इस तरीके से आधा तोड़ तोड़ कर निकाला जाता है, तो ये एक आध तो चलो आ जाता है निकालते वक्त, वैसे अदरवाइज़ इस तरीके से ही निकालते हैं। तो सारे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पूरे जड़ से नहीं निकाला गया है, इस तरीके से उठाया गया है,
ये देखिए। तो और तो जो अगर हम इस बल्ब को बीजेंगे तो उसी साल फसल देगा। अगर हम ये जो दाने हैं आपको दिख रहे हैं ज़ीरा के, अगर ये बीजेंगे तो इसे 3 साल लगते हैं मतलब फसल देने में तैयार। वहाँ देखिए मम्मी के हाथ में देखिए, हाँ ये वाले दाने, तो इन्हें बीजेंगे तो मतलब 3 साल के बाद हमें फसल देगा ये। और अगर हम ये जो बल्ब है अगर इसे बीजेंगे तो वो उसी साल ही फल देगा। तो इस तरीके से ये इसका प्रोसेस रहता है। अभी हम इसे कूट रहे हैं। यहाँ पर टाइसन भी घूम रहा है, देख सकते हैं टाइसन। तो दोस्तों ये है कैलाश का पानी, यहाँ से ऊपर कैलाश है और शिवलिंग से जो पानी आता है ये वही है। और लास्ट ईयर बाढ़ आ गया था, उसके बाद से ये पुल ऐसे ही है और उस पार वाले हमें खेतों में जाने के लिए इसी पुल से जाना पड़ता है। देख सकते हैं कितना टेढ़ा हो चुका है और इसी से चल के जाते हैं हम लोग। मैं तो बहुत ज़्यादा डर डर के हाथ पकड़ के आती हूँ, कब जैसा ये पुल नीचे गिर जाए पता नहीं, प्रशासन पता नहीं क्या कर रही है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है। देखिए कितना टेढ़ा हो चुका है ये पुल, डॉगी भी जा रहा है यहाँ से। तो गाइज इसे झूला बोलते हैं। और बाढ़ आने के बाद 2005 में जब मैं यहाँ दूसरे गांव में पढ़ने जाती थी तो बाढ़ आ गया था, तो रास्ता था नहीं, ये जो रास्ता है ये रास्ते तो था नहीं, तो इसी झूले से और एक दूसरा झूला मेरे गाँव की ओर जाता है। हम लोग स्कूल जाया करते थे, 2 झूला हमें पार करके स्कूल जाना पड़ता था। इस तरीके से हम झूला रस्सियों से इस तरीके से खींचते थे और फिर जाकर स्कूल पहुंचते थे। पूरा 1 साल हमने ऐसे ही किया इस तरीके से, हमें खींच के काफ़ी डर लगता था उस वक्त, फिर बाद बाद में हमें आदत हो गई थी। ये संतोष रिवर है कि इस झूले से जाने की। और अब इतने साल हो रहे हैं, जब मैं 10th में पढ़ती थी तब की बात है ये। और अब इतने साल हो गए हैं तो अब तो और भी ज़्यादा डर लगता है मुझे ये झूले को देखते हुए, पता नहीं मैं कैसे जाऊंगी इसमें। तो अब तो रोड है, कोई टेंशन की बात नहीं है, पर 1 साल पूरा हमने इसी में ही निकाल दिया। तो गाइस आप लोगों ने इस व्लॉग में क्या क्या देखा? आप लोगों ने देखा कि जो हमारा जंगली ज़ीरा है जिसे काला ज़ीरा भी कहते हैं वो किस तरीके से उसका प्रोसेस रहता है, फ्लावर्स कैसे होते हैं और हम उसे खाने में यूज़ करते हैं। मैंने आप लोगों को हिमालयन विंटर लाइफ वाली वीडियो में जब हम हालुस्कान बना रहे थे तो मैंने बताया था कि मैं ब्लैक ज़ीरा यूज़ कर रही हूँ जो कि हमारे यहाँ जंगलों में पाया जाता है, खुद उग जाता है, हम खुद बीजते नहीं उसको, हालांकि अब बीजने लग गए हैं। तो इस तरीके से इसका प्रोसेस रहता है। और अगर हम इसकी बेनिफिट्स की बात करें तो जो ब्लैक ज़ीरा है इसका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो है पेट दर्द के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा लाभदायक रहता है। उसे पेट दर्द में भुनकर खाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सर्दी ज़ुकाम के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ब्लैक ज़ीरा की तरह एक और ज़ीरा होता है जिसे माको ज़ीरा भी कहते हैं, वो हमारे कंडे में पाया जाता है।
और माको ज़ीरा भी सर्दी जुकाम बुखार के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक रहता है, वो वाला ज़ीरा। तो इस तरीके से इसके फ़ायदे अगर हम मैं गिनाने लग जाऊँ तो मतलब मैं किसी चीज़ के भी फ़ायदे बताती हूँ। जैसे वाइल्ड अगर चीज़ है और ये तो औषधि है ब्लैक ज़ीरा, तो इसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा होंगे। आप इंटरनेट में जाके मतलब कहीं सर्च कर सकते हैं और लंबी लंबी लिस्ट आप लोगों के सामने आ जाएगी और आप लोग देख सकते हैं। और मुझे पता है ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग यही कमेंट करेंगे कि हम इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ये अवेलेबल है कुछ साइट्स में, मैं भी चेक कर रही थी कि अवेलेबल है कि नहीं है, बट कुछ साइट्स में है। अगर आप लोग परचेज़ करना चाहें तो देख सकते हैं वहाँ पर। और इसके बेनिफिट्स तो इस तरीके से रहे। और बाकी मैंने एंड में जो वीडियो लगाई थी वो पुल ख़राब था और जिस तरीके से हम स्कूल में जाया करते थे वो झूला, तो मुझे उस पुल से जब मैं आई और मैंने देखा इस तरीके से तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। और मैं ये सोच रही थी कि अब तो स्कूल बंद है, बट वो लास्ट ईयर से ऐसे ही है वो पुल। प्रशासन कुछ नहीं कर रही है उस पुल के लिए। बच्चे स्कूल, छोटे छोटे बच्चे स्कूल वहीं से जाते उसी पुल से, और वो पुल की कोई गारंटी नहीं है कब तक वो रहेगा। और अगर वो गिर गया वो पुल तो फिर हम क्या कर सकेंगे। मैंने सोचा आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि किन्नौर दिखने में जितना खूबसूरत है उतनी ही यहाँ हर चीज़ में इतनी कठिनाई होती है। जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे मॉनसून बारिश के वक्त स्लाइडिंग वगैरह होती है। लास्ट वीक यहाँ पे स्लाइडिंग वगैरह हुई थी किन्नौर में, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिले कि आप लोग इतना मतलब फ़िक्र करते हैं। और आप लोगों ने पूछा था मुझे कि आपके एरिया में तो प्रॉब्लम नहीं है करके, मेरे एरिया में नहीं था पर किन्नौर के दूसरे एरिया में प्रॉब्लम हो चुकी थी। तो इस तरीके से किन्नौर में रहता है, नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये भी चली रहती है। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये चीज़ भी शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोग भी प्रिपेयर रहें इन सब चीज़ों के लिए अगर आप घूमने आते हैं तो। तो ये वाला व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।